क्लास 11th में हमारा चैप्टर चल रहा था तलपट और अशुद्धियों का शोधन, जिसमें हम अशुद्धि सुधार के इलस्ट्रेशंस को करना प्रारंभ कर चुके थे और हमने फोर्थ इलस्ट्रेशन जो हमारा था 4 नंबर का उदाहरण वहाँ तक हमने कर लिया था। आज एग्जांपल नंबर 5 हम करने जा रहे हैं जो कि है 237। तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताब का 237 इलस्ट्रेशन निकालें जिसको हम रेक्टिफाइड करना सीख रहे हैं दोबारा से, और हम जब तक प्रैक्टिस करते जाएंगे हम अपनी अशुद्धियों का सुधार भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि राहुल के तलपट का मिलान नहीं हुआ था और राहुल का जो अंतर था उसको उसने उचंती खाते में रख दिया और उसके बाद में अशुद्धियों का सुधार उसे पता लगा जो कि निम्नलिखित थी। तो आपको एक सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है, आपके पास बैलेंस नहीं दिया गया है, आप जो भी रेक्टिफिकेशन करेंगे और उचंती खाते से संबंधित आप उस खाते के अंदर स्थानांतरित करते चले जाएंगे तो आपका अंतर आपको पता लग जाएगा कि वास्तविक अंतर तलपट में कितना आ रहा था राहुल के जो मिलान किया था उसके अंदर। तो सबसे पहली एंट्री हम देखने जा रहे हैं जो लिखा हुआ है कि मशीन की स्थापना के लिए 600 रुपये की मजदूरी दी गई थी जिसे मजदूरी खाते में लिख दिया गया है ना, मजदूरी खाते में कर दी गई जिसकी खतौनी। देखिए आपको मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि मजदूरी जो हमारा जो होता है वेजेस जिसको हम बोलते हैं वो हमारा आयगत खर्चा होता है अगर उसके साथ कुछ भी साथ में जुड़ा हुआ ना हो। तो सामान्यतः हम मजदूरी को खर्चा मानते हैं तो हम खर्चे खाते को ही डेबिट करते हैं, लेकिन ये मजदूरी आयगत खर्चा होता है और आयगत खर्चे में खर्चे के खाते को नाम किया जाता है। परंतु अगर किसी भी स्थायी संपत्ति को लाने और उसकी स्थापना कराने पर जो खर्चा होता है ऐसे खर्चे को हम पूंजीगत खर्चों में रखते हैं। यानी मशीन जब हम खरीद के लाते हैं उसको लाकर उसका एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना खर्च जो करते हैं वह मशीन की वास्तविक लागत होती है, वो उसकी पूंजीगत लागत होती है। तो पूंजीगत लागत जब होती है, पूंजीगत खर्चा जब होता है मशीन की एस्टेब्लिशमेंट में, तो संपत्ति का खाता ही नाम किया जाता है, न कि उसे आयगत खर्चा मानते हुए आप उसको मजदूरी खाते को नाम करें। तो यहाँ पर क्या हुआ, मशीन के या जो स्थापना का खर्चा है उसको मशीन खाते को डेबिट करने के स्थान पर मजदूरी खाते को डेबिट कर दिया गया। तो आपका करेक्शन हम कैसे करेंगे, करेक्शन करने के लिए आपने क्या, जो आपने मशीन का खाता डेबिट नहीं किया था, जो नहीं किया था तो उसे कर देते हैं, तो मशीन के खाते को तो हम करते हैं नाम, ठीक है। और जो मजदूरी का खाता गलती से हमने नाम कर दिया था आयगत खर्चा मानते हुए उसको हम उठाकर उलट देते हैं, अर्थात कि उसे हम CR कर देते हैं, तो हमारी एंट्री हो जाती है मशीन खाता नाम नीचे मजदूरी खाता जमा, ठीक है। लेकिन हम इंग्लिश में बोलते हैं आपको करना मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट और 600 रुपये जो लिखा गया है वो मशीनरी खाते में चला जाएगा और मजदूरी खाते से लेस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका संशोधन कर दिया जाएगा। दूसरा है मशीन की मरम्मत पर 400 रुपए दिए, ठीक है। अब मशीन खाते को नाम पक्ष में लिख दिए गए। तो देखिए मशीन की मरम्मत यानी कि कोई भी संपत्ति जिसको हम प्रयोग में लेना प्रारंभ कर देते हैं और फिर उसको ठीक कराने या उसकी मेंटेनेंस या उसकी रिपेयर पर कोई खर्चा करते हैं तो ऐसा खर्चा आयगत खर्चा माना जाता है। तो ये आयगत खर्चा है और आयगत खर्चा होता है तो रिपेयर अकाउंट जो होता है ना उसको हमको डेबिट करना था, लेकिन हमने क्या किया, इसको हमने पूंजीगत खर्चा मानते हुए मशीन के खाते में नाम पक्ष में लिख दिया। तो जो हमने गलत लिखा है उसको तो हम पलट देते हैं और जो नहीं लिखा उसे हम लिख देते हैं। तो हमने मरम्मत खाता डेबिट नहीं किया तो हम रिपेयर अकाउंट डेबिट कर देते हैं और जो मशीन खाता डेबिट कर दिया था उसको हम CR कर देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी आपकी रिपेयर अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट। देखिए आप सेकेंड में आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, तो हमने इसको इस प्रकार से संशोधित कर दिया। आपको समझ में आ गया मैंने मरम्मत खाते को डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये आयगत खर्चा है। जब मशीन स्थापित हो जाती है और फिर हम काम में लेते हैं तो कोई खर्चा होता है तो वो आयगत खर्चे होते हैं। आयगत और पूंजीगत खर्चों में अंतर आपको जरूर से पता होना चाहिए बच्चों, मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तब भी बताया था आयगत और पूंजीगत खर्चे क्या होते हैं। तो जो
संपत्ति प्रयोग में ली जा रही है और उस पर कोई भी मेंटेनेंस का खर्चा करते हैं तो वो आयगत खर्चा होता है, और जब मशीन या कोई संपत्ति खरीद के लाई जाती है तो जब तक वो रनिंग स्थिति में नहीं आ जाती, जब तक खर्चे करते हैं वो खर्चे पूंजीगत खर्चे होते हैं। तो यहाँ हमने जैसा कि फर्स्ट एंट्री में गलती हुई थी, हमसे पूंजीगत खर्चे को आयगत खर्चा मान लिया था, यहाँ आयगत खर्चे को हमने पूंजीगत खर्चा मान लिया। तो जो हमने कहा जो नहीं किया वो कर देते हैं, तो कर दिया हमने रिपेयर अकाउंट डेबिट, और जो गलत कर दिया उसको हम पलट देते हैं, तो पलट दिया हमने किसको, मशीन खाते को सीआर कर दिया। तीसरी एंट्री हम देखते हैं, एक पुरानी मशीन को क्रय किया गया, मशीन की मरम्मत के लिए किया गया 1000 रुपये का व्यय मरम्मत खाते के नाम डाल दिया। फिर से वही एक गलती हमने की कि जो पुरानी मशीन खरीद के लाए हो चाहे नई मशीन खरीद के लेके आए हो, हमारे लिए एक संपत्ति की परचेज है, ये संपत्ति की परचेज है, अब वो चालू स्थिति में नहीं थी तो उसको चालू कराने यानी हमको उसको चालू करने के लिए 1000 रुपये उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस में देने पड़े, तो हमने मरम्मत कराई, तो ये तो मशीन की कॉस्ट में जुड़ेगा, ये पूंजीगत खर्चा है, तो पूंजीगत खर्चा है तो मशीन खाता डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने कर दिया किस खाते को डेबिट, मरम्मत खाते को। तो फिर हम वही एंट्री करेंगे, मशीन अकाउंट डीआर टू रिपेयर अकाउंट, क्योंकि रिपेयर गलती से डेबिट हो गया तो क्रेडिट कर देते हैं 1000 रुपये से। फिर आती है अपनी चौथी एंट्री। तो हमने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंट्री जो हमने अभी संशोधित की है, रेक्टिफाइड की है, ये तीनों ही प्रविष्टियां आयगत और पूंजी खाते की गलत, जो हमने सैद्धांतिक गलती होती है कि सिद्धांत जो कहता है हमारा कि पूंजीगत खर्चों को पूंजीगत खर्चों को डेबिट करते हैं तो संपत्ति खाते को डेबिट करते हैं, और आयगत खर्चा होता है तो खर्च खाते को डेबिट करते हैं, यहाँ पर ये गलती हुई थी हमसे तीनों एंट्री में, तो सैद्धांतिक गलती का हमने करेक्शन किया। अब चलते हैं अपनी चौथी एंट्री के ऊपर। चौथी एंट्री जो हमारी है वो है 8000 की सामग्री और 2000 की मजदूरी भवन के निर्माण के लिए लगी, इसे पुस्तकों में समायोजित नहीं किया। अब आपको समझना है बेटा यहाँ पर कि देखिए बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के लिए हमने मटेरियल लाए क्योंकि बिल्डिंग के निर्माण में लगाना था, और 2000 रुपये बिल्डिंग के निर्माण में ही 2000 रुपये मजदूरी के खर्च करे, तो ये खर्चा भी क्या है, पूंजीगत खर्चा है, तो उसमें बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन हमने क्या किया उसका पुस्तकों में लिखा ही नहीं, तो नहीं लिखा तो हम लिख देते हैं बिल्डिंग अकाउंट डीआर, ठीक है बिल्डिंग अकाउंट डीआर हो गया, कितने रुपए से 10000 से 8 और 2 10000 रुपए, ठीक है। अब उसके अगेंस्ट में हमारे पास से गया क्या बेटा, क्योंकि हमारे पास एक तो मटेरियल जो हमारे आया हुआ था घर, हमने उसको यूज किया, तो जब मटेरियल यानी सामग्री या स्टॉक को कम किया है तो हम क्रय खाते को सीआर करते हैं, तो टू परचेज अकाउंट, और नगद कितना पेमेंट किया, टू कैश अकाउंट, ठीक है 2000 रुपये से हमने लिख दिया। 8 और 2 10000 रुपये होते हैं, तो भवन का निर्माण करने में खर्चा कितना आया 10000 का, तो भवन अकाउंट जो बिल्डिंग अकाउंट है डेबिट करेंगे 10000 रुपये से, और परचेज क्योंकि सामग्री लगी है टू कैश, 2000 नगद गया है, 10000 रुपये दोनों पक्षों में लिख दिए गए। अब आती है पांचवी एंट्री हमारी, वो भी हमारी ऐसी है, 5000 रुपये का फर्नीचर खरीदा और क्रय खाते की क्रय बही में 500 रुपये लिख दिया। देखो फर्नीचर खाते को डेबिट करना था क्योंकि यहाँ फर्नीचर अंदर आ रहा है, संपत्ति रियल अकाउंट का मामला होता है, जो वस्तु अंदर आ रहा उसे डेबिट करो, फर्नीचर वस्तु है तो फर्नीचर अकाउंट 5000 से डेबिट होना चाहिए था, उसकी जगह हमने क्या किया खतौनी क्रय खाते में 500 रुपये से कर दी, ठीक है, तो परचेज अकाउंट को जो डेबिट कर दिया था उसको क्रेडिट करना पड़ेगा 500 रुपये से, और बचा हुआ जो बैलेंस है 5000 में से 500 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4500 रुपये, तो 4500 से ही तो हमारा सस्पेंस अकाउंट बोलेगा, तो टू सस्पेंस अकाउंट 4500। अब देखो दोनों पक्षों का योग बराबर हो गया, 5000 इधर और 5000 उधर, उधर 5000 में हमने सिर्फ 500 की गलती की थी बेटा, हमने परचेज अकाउंट लिख दिया था डेबिट 500 रुपये से, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट भी 500 से ही करेंगे, 5000 से नहीं करेंगे हम, बचे हुए 4500 किस में बोलेंगे, सस्पेंस अकाउंट में बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई पांचवी एंट्री आपकी। फिर आते हैं हम छठी एंट्री पर। छठी एंट्री है, करीम को एक पुरानी मशीन जिसका पुस्तक मूल्य 2000 रुपये था में बेची, ठीक है, अपिलेखन विक्रय बही में कर दिया। जब पुरानी मशीन बेचते हैं तो आपको मैं बता दूं कि जब हम खरीदते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट होता है, तो बेचेंगे तो मशीन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो सबसे पहले तो मशीन खाते को क्रेडिट कर देते हैं 2000 रुपये से, और गलती क्या की हमने उसको सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया था, तो सेल्स अकाउंट थोड़ा क्रेडिट होना था, मशीन खाता क्रेडिट होना चाहिए था ना, तो आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है तो अब उसको हम डेबिट कर देंगे, तो सेल्स अकाउंट डीआर जो गलती की मशीन खाते को नहीं किया, तो टू मशीन अकाउंट 2000 रुपये से हम लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट जो 7th नंबर की एंट्री है, उस पर विक्रय बही का योग 3000 रुपये की खतौनी खाता बही में नहीं की, नहीं की तो कर दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है तो सेल्स अकाउंट
सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू सस्पेंस अकाउंट हम कर देते हैं। अब हमने हमारी सारी प्रविष्टियों का संशोधन कर दिया, अब बनाते हैं उचंती खाता। अब उचंती खाते में तलपट का क्या अंतर था ये हमें पता नहीं, लेकिन देखिए हमारी एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट केवल एक तो आया है हमारा फिफ्थ नंबर की एंट्री में, फिफ्थ नंबर की एंट्री में 4,500 रुपये हमारा उचंती खाता क्या हो रहा है CR। तो उचंती खाते के CR में गए हम, और अगेंस्ट में कौन सा खाता है, फर्नीचर खाता, तो आपने फर्नीचर खाता 4,500 रुपये लिख दिया। और एक हमारी जो सेवन्थ एंट्री थी लास्ट वाली जिसमें हमने सेल्स रिटर्न बही के अंदर लिखना भूल गए थे, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा क्या हो रहा है उचंती खाता है, यहाँ भी CR हो रहा है, हम CR में गए, क्या लिखा भाई सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना 3,000 रुपये। तो अब हमको पता लग गया कि हमने 7,500 की गलती की थी, इसका मतलब तो हम डेबिट साइड में जाके लिखेंगे कि टू एज पर ट्रायल बैलेंस डिफरेंस 7,500 रुपये, खाते को बराबर कर दीजिए। इस चीज को बनाने से, सस्पेंस अकाउंट बनाने से आपको ये पता लग गया कि तलपट में हमसे जो गलती हुई थी उसका वास्तविक अंतर क्या था, 7,500 रुपये का था। ठीक है, इस प्रकार से हमने अपना इलस्ट्रेशन किया। आप सभी बच्चे इस इलस्ट्रेशन को आज कॉपी में करेंगे, इंग्लिश में लिखें बच्चे, और उसके बाद में आप अपने स्वयं जाँच जो है उसमें भी एंट्रियाँ करते जाएँ, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।